हाय, लेट्स मेक सम क्रिस्पी चना कबाब। उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे चना जिसको हमने ओवरनाइट भिगो दिया था, उसके बाद बॉईल कर लिया था। एंड नाउ वी हैव ग्राइंडेड इट इनटू अ पेस्ट। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, साथ में चाट मसाला। ये 3 मसाले काफ़ी हैं। देन उसमें हरी मिर्च डालेंगे, 2 पोटैटोज़ डालेंगे बॉईल करके, ऑनियन, कैप्सिकम, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और आलू को मैश कर लेंगे इसमें। नाउ ऐड बेसन, 4 टेबलस्पून बेसन इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। जो एग्जैक्ट आपको इंग्रेडिएंट्स है ना, वो आपको इनके कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो इसको अब हम छोटे छोटा इसका मिक्सचर लेके इसकी हम टिक्की टाइप बना लेंगे, छोटी छोटी सी। ये हो गई रेडी। अब इसी तरीके से बाकी के बैटर की भी हम टिक्की बना लेंगे। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने इसको शैलो फ्राई किया। हमने तवे पे ही हमने इसको जो है वो किया है, रोस्ट किया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा ऑयल लेके। और एक बात बताऊँ आपको, ये ना एक बहुत ही अच्छी वेट लॉस रेसिपी भी है जो मेरी डाइटिशियन है उसने मेरे को बताई थी। सो इसको अगर आप डाइट पर हो तो आप इसको बहुत आसानी से विदाउट एनी गिल्ट इसको आप खा सकते हो। इसी तरीके से बाकी की भी जो हमारी टिक्कियाँ उसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे या उसको हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा चना कबाब रेडी। अब इसको हम साथ में इसके सर्व करेंगे। ग्रीन चटनी भी कर सकते हो, केचप भी कर सकते हो। और ऊपर थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट करेंगे दही के साथ। दही के साथ फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आ रहा था, तो आप इसको ट्राई करना इसके साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना कि आपको ये चना कबाब की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियोस देखो, कबाब बनाओ और एंजॉय करो। और एक और बात, हाँ, हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इसका नाम है कोई भी पका सकता है। सो उसकी डिटेल्स आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगी। सो गो एंड चेक इट आउट। और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा एंड आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।